अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, सुबह के बज रहे 6:30 और बकरा भी हमारा नीचे है और उमामा कुर्बानी से पहले ही ऊपर चली गई है। उमामा को बहुत रोना आ रहा है। तो गाइस, बकरा यहाँ पे अभी पानी पी रहा है और कसाब का भी पप्पा ले आए हैं। यहाँ पर कुर्बानी डन हो गई है और कलेजी भी साइड पर हो गई है अभी। और यहाँ पर अंकल बोटियों के पीसेस कर रहे हैं। यहाँ पर मम्मा गोश्त की थैलियाँ बना रही हैं। हमारी थैलियाँ बन चुकी हैं। अभी कलेजी का मसाला लग चुका है और अभी हम करेंगे कलेजी का फ्राई। और हमारी चाय भी तैयार हो गई है। गाइस, मामा रो रही है यहाँ पर, कह रही है मुझे नहीं खानी है बोटी, मुझे बकरा चाहिए, मुझे बकरा चाहिए। इसने अपना रो रो के बुरा हाल कर दिया है। गाइस, इतना रो रही है, इतना रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है ये। लंच में हमने खाया नमकीन गोश्त। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं नानी के घर और उमामा का मूड बिल्कुल थोड़ा सा सही है। और अभी बज रहे हैं 3:30। उमामा देखो, अभी भी गाय बकरे वालों में खड़े हैं। ज़्यादातर लोग दूसरी ईद को भी कुर्बानी करते हैं ना। गाइस, हम पहुँचने वाले हैं नानी के घर। नानी के घर मेन्यू में है बिहारी बोटी, फ्राई बोटी, समोसे और पुलाव। पुलाव यहाँ पर हो रही है हमजा के बर्थडे की सेलिब्रेशन। और यामिन मामा ने एमआर कैम क्लियर किया है तो यहाँ पर उनका भी सेलिब्रेशन हो रहा है। उमामा केक कैसे है? यहाँ पर उमामा का मूड थोड़ा बेहतर हुआ था और केक भी खा रही थी माशाल्लाह। जो केक बचा है वो हम रखेंगे फ्रिज में और हम निकलते हैं अभी घर की तरफ। कैसे लगा?